हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में हमें कितना यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। और इसी के साथ मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि आखिर मुझे यहाँ पर 3 मंथ में यहाँ पर 34,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब 3 मंथ में 34,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है और वो भी मैं आपको इसमें बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरीके से काम करता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड की जो कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्कीमें होती हैं और उनमें आपको पैसा लगाना होता है। ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड यानी कि एक फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को यहाँ पर हैंडल करता है। ठीक है, यानी कि वो आपके पैसे को, जैसे कि 10 कंपनियाँ हैं और उनके शेयर वो खरीदता है। ठीक है, और उसे इस चीज़ के बारे में पहले ही पता होता है कि कौन सी कंपनी किस समय ग्रोथ करेगी। ठीक है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, फंड मैनेजर। ठीक है, तो जो पैसा है वो आपको फंड मैनेजर को यहाँ पर देना है, वो आपसे यहाँ पर कुछ कमीशन ले लेते हैं। जैसे कि आपको 1,000 रुपये पे सिर्फ 1 ही रुपये आपको उन्हें देना होता है। ठीक है, और इसके बाद में आपको कोई पैसा यहाँ पर देना नहीं होता है, और वो जो आप पैसा देते हैं तो वो पैसे को वहाँ पर मैनेज करते हैं। ठीक है, वो यानी कि अपने पास उस पैसे को नहीं रख सकते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, अब मैं चलिए आपको यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आखिर ये पूरा फंड काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, यानी कि रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसी के साथ में जो मैंने यहाँ पर स्कीम खरीदी थी, स्कीम में पैसा लगाया था, मैंने यहाँ पर पैसा लगाया था 3.5 लाख रुपये। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जो कि मैंने लगाया था 1 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसी के साथ मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि आज है 6 तारीख नवंबर। ठीक है, और नवंबर है शायद दिसंबर में, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, सॉरी दिसंबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 3 मंथ यहाँ पर हो चुके हैं और 3 मंथ में मुझे यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जो कि अगर मैं 10,000 रुपये की एक जॉब करता तो शायद मैं यहाँ पर इतना पैसा नहीं कमा सकता था। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने कुछ ही पैसे को इन्वेस्ट करके और मैंने यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट कमा ली है। ठीक है, यानी कि मैंने प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, जैसे कि जो भी आप यहाँ पर पैसा देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने 10,000 रुपये दिए, और जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, आपके लिए यहाँ पर 10 कंपनियों में वो पैसा लगा देगा आपका। ठीक है, और उसे पता होता है कि अगर एक कंपनी लॉस में भी जाती है तो बाकी की जो 9 कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही है वो लॉस के लिए यहाँ पर रिपेयर कर दे। तो कहने का मतलब है, जो आपका नुकसान है, जो आपका लॉस होने के चांसेस हैं, वो तो यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई लॉस हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि वो फंड मैनेजर है, उन्हें इस चीज़ के बारे में पहले ही पता होता है। ठीक है, कि आखिर कौन सी कंपनी है, किस समय ग्रोथ करेगी, किस समय नहीं करेगी। इसी के साथ में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक ही बार में यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक ही बार में लगा सकते हैं। इसी के साथ में SIP आप शुरू कर सकते हैं। SIP पर रिलेटेड मेरी पहली ही वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑन टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि एक ही बार हमें पैसा देना है, और हम कैलेंडर पर सिंपली क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और इसी के साथ में हमने यहाँ पर 1 साल में हमें ये पैसा निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, आप बेकायदा इस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपको आज पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको 2 दिन सिर्फ पहले ही पैसे को यहाँ पर विड्रॉ करना होगा, और 3रे दिन आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप बैंक अकाउंट से तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल तो सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अब ये कह रहा है कि हमने 28% यानी कि 8.5% तक हमने यहाँ पर रिटर्न दिया है। ठीक है, ये स्कीम कह रही है कि हमने 1 साल में यानी कि 1 लाख पर हमने 28,049.63 रुपये का हमने यहाँ पर रिटर्न दिया है 1 साल में। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर ये पूरे पूरे में नहीं जाती है और आधे आधे में यहाँ पर जाती है तब भी तो आपको यहाँ पर 12% मिल गया है। ठीक है, 1 साल में। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर यानी कि जो FD होती है, जो लोग FD कराते हैं
उससे 10 गुना ये अच्छा है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर कितना पैसा लगाया था और कितना मेरा अमाउंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरी जो अमाउंट है 384,897.58, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब चलिए मैं ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपये लगाया था और जो कि मुझे आप देख पा रहे हैं मैं जो कि 6 दिसंबर है, ठीक है, और कहने का मतलब है यहाँ पर मुझे 3 मंथ यानी कि 6 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपये लगाया था और इसी के साथ में उनने अपनी फीस भी काटी थी यहाँ पर, यानी कि लगभग यहाँ पर मैंने 3.5 लगाया था तो मेरे यहाँ पर 3500 रुपये हो रहे थे, वो इन्होंने काट लिए थे। तो ये 3500 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आपकी अमाउंट भी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो वो फंड मैनेजर है वो अपनी यहाँ पर फीस ले लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो आपका पैसा है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनियों में शेयर खरीदना, ठीक है, जैसे कि सोना खरीदना। क्योंकि चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये पैसा कहाँ कहाँ आपका इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ भी होगा कि जो आपका पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है यानी कि गोल्ड और शेयर मार्केटिंग में जो पैसा लगता है, स्टॉक खरीदना यानी कि किसी भी कंपनी के, ठीक है, सर्च म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना और भी कई सारी स्कीमें होती हैं। तो इन स्कीमों में जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो इससे ही वो प्रॉफिट करके आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके जो टोटल अमाउंट होगी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्रॉफिट और इसी के साथ में जो आपने अमाउंट जमा की होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं करंट वैल्यू, ठीक है, जो आपकी आपके यहाँ पर रुपए की जितनी भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेट एसेस वैल्यू यानी कि NAV, इसे NAV बोला जाता है यानी कि नेट एसेस वैल्यू। अब ये क्या होती है नेट एसेस वैल्यू, यानी कि एक कंपनी के जैसे कि मान लेते हैं ये स्कीम है और यानी कि म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो देख पा रहे हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, ये एक स्कीम है। अब इन्होंने जब स्कीम ओपन करी होगी तो इन्होंने जैसे कि गिनती में यानी कि इनके पास 1 करोड़ रुपए होगा, ठीक है, तो उतनी ही इन्होंने एक इकाई खरीद ली होंगी, एक इकाई मान ली होंगी कि एक इकाई की रुपए की जो वैल्यू है वो है 10 रुपए, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर नेट एसेस वैल्यू तय की जाती है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यही एक नेट एसेस वैल्यू है और यानी कि एक यूनिट अगर कोई ख़रीदता है तो उसे 302 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। मैंने उस समय खरीदी थी तो कहने का मतलब 282 रुपये की पड़ रही थी मुझे, अब यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जितनी यहाँ पर ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी उतना ही जो आपका अमाउंट है यानी कि नेट जो एसेस वैल्यू है बढ़ेगी, उतने ही जो आपकी अमाउंट है करंट वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि मेरे जो एक यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो चुका है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। अब इसके लिए आप अपनी ब्रांच से भी जाके करवा सकते हैं और इसके लिए आपको उनसे बोलना है कि हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और इसी के साथ में आपको सही स्कीम पर पैसा लगाना है। आप इस स्कीम पर पैसा लगा सकते हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लगाया था सारा पैसा और मुझे यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो चुका है। इसी के साथ में मुझे इस पैसे को निकालना है तो मैं यहाँ पर 3 डॉट पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहीं से ही मैं पैसे को विड्रॉ करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है किस तरीके से इसमें पैसे लगाना है, किस तरीके से विड्रॉ करना है अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।